ये वीडियो कुछ अलग है और कुछ बातें हैं जो मैं करना चाहता हूँ आप लोगों से। तो बड़ा भाई या छोटा भाई समझ के, उम्मीद है कि आप लोग इन बातों पर अमल करेंगे या एटलीस्ट गौर करेंगे। हमारी कंट्री में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं और कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो जड़ से मिटाई जा सकती हैं, उनको अवॉइड किया जा सकता है, लेकिन वो कर नहीं रहा कोई, क्योंकि ना हमें परवाह है, ना हम आगे आगे कुछ बोल रहे हैं और ना कोई हमारी सुन रहा है। 8 साल की बच्ची का ब्रूटली रेप कर दिया, उसको मार दिया है, ये कोई इंसान नहीं कर सकता, और ना उनके साथ ऐसे लोगों के साथ इंसानों जैसा बर्ताव होना चाहिए। हमारे पास YouTube है, Facebook है, Instagram है, Twitter है, इन चीज़ों के ऊपर बात करने के लिए। हम 365 दिन साल भर कुछ ना कुछ बात करते रहते हैं, लेकिन जब ऐसे इश्यूज आते हैं कंट्री में तो यूथ के पास पावर है कि वो फर्मली इन चीज़ों के बारे में बात करें। हमारी सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या है? हमारे पास आवाज़ है लेकिन हम सब गूंगे बने बैठे हैं, और इसका फ़ायदा उठा रही है गवर्नमेंट और अथॉरिटीज़। उनको लग रहा है ये लोग क्या बोलेंगे, 2 दिन बोलेंगे फिर चुप हो जाएंगे। बट वॉट आई जेन्युइनली फील कि हम पहुँचा नहीं रहे अपनी बात किसी और तक, ओपिनियन नहीं। सो दिस इज़ वॉट आई वॉन्ट टू पॉइंट आउट कि प्लीज़ ओपिनियन रखो, आप क्लूलेस मत रहो कि नहीं पता नहीं। पता नहीं सबसे डेंजरस चीज़ है, या तो हाँ या तो ना। ओपिनियन रखो, अगर आपको लग रहा है ये सही है तो सही है, गलत है तो गलत है। अगर आपको लगता है या आपको पता है कि देश में कुछ गलत हो रहा है तो प्लीज़ बोलो, चुप मत रहो। वहाँ 4 लोग बोलेंगे तो उनकी बात कोई नहीं सुनेगा, सब उनको हल्के में लेंगे, लेकिन अगर 1000 बंदा एक साथ चिल्ला के बात करेगा तो बात का बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा। एंड आई रियली वॉन्ट यू गाइज टू यूज़ योर सोशल मीडिया टू इट्स मैक्सिमम एक्सटेंट। आप इस बारे में बात करो, आप कुछ चीज़ें गवर्नमेंट तक पहुँचा सकते हो अगर आप एक साथ चिल्लाओ तो, वरना आपकी कोई नहीं सुनेगा। 2 दिन बात होगी फिर भूल जाएंगे सब, ऐसा ही होता है। सोशल मीडिया कौन यूज़ करता है? मैं करता हूँ, आप करते हो, आपके भाई बहन, हमारे दोस्त, पूरा यूथ करता है यूज़। तो अगर यूथ बात करेगा तो छोटी सी बात का बड़ा बतंगड़ बन जाएगा, और ऐसे इश्यूज़ में बतंगड़ बनाना बहुत ज़रूरी है, आवाज़ पहुँचानी बहुत ज़रूरी है। हैव एन ओपिनियन एंड प्लीज़ स्टैंड बाई इट। एंड आई जेन्युइनली प्रे कि जो लोग ऐसी हरकत करते हैं मासूम बच्चों के साथ, उन लोगों के साथ ह्यूमनली बिहेवियर नहीं होना चाहिए बिल्कुल। दे शुडंट बी ट्रीटेड लाइक ह्यूमंस, दैट्स ऑल आई वांट टू से। 8 साल की बच्ची का रेप हुआ है। कमाल की बात यह है कि लोग इसको धर्म का नाम देके यूज़ कर रहे हैं। भगवान जाने, डू यू रियलाइज जो लोग कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहे हैं, उस 8 साल की बच्ची पर क्या बीती होगी, उसकी क्या हालत हुई होगी। भगवान ना करे आपकी वो बहन हो सकती थी, आपकी बेटी हो सकती थी। हम कहाँ जा रहे हैं? जिन लोगों ने ये किया, क्या सोच के, कौन सी मेंटालिटी रखते हो तुम लोग? आई डोंट नो क्या होगा आगे, आई डोंट नो इफ देयर विल एनीथिंग, आई डोंट नो क्या होगा सच्ची में, बट देयर हैज टू बी समथिंग डन, कुछ ना कुछ करना होगा। दिस इज गेटिंग आउट ऑफ हैंड, एंड आप लोगों को भी इसके अगेंस्ट आवाज उठानी चाहिए। एवरी वन ऑफ अस, यू मी एवरी पर्सन, नॉट फॉर द सेक ऑफ रिलीजन बट सेक ऑफ ह्यूमैनिटी। This is disgusting, heartbreaking, क्या बोलूं मैं।